आपने ये वीडियो पे डेफिनेटली दो रीजन की वजह से क्लिक किया। फर्स्ट इज यू आर इन लव विद दिस क्यूट फरी क्रिएचर्स एंड आप ये ब्रीड के प्राइजेस और मंथली एक्सपेंसेस पे और इन्फॉर्मेशन चाहते हो। एंड सेकेंडली हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे डॉग्स ऑलरेडी माइंड में है जो आप लेना चाहते हो एंड प्रॉबेबली गोल्डन रिट्रीवर इज वन ऑफ देम, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि आपको गोल्डन रिट्रीवर लेना चाहिए या नहीं। वेल आई एम हियर टू क्लियर थॉट्स। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये वीडियो के एंड तक यू विल डेफिनेटली नो कि आपको गोल्डन रिट्रीवर लेना है या नहीं, क्या गोल्डन रिट्रीवर आपके साथ एक बेस्ट कंपेनियन रहेगा या नहीं। सो ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है, एक भी सेकेंड मिस नहीं करना है क्योंकि एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप एक गोल्डन रिट्रीवर लेने वाले हो या नहीं। सो फिर अगर वीडियो के अंत तक आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आपको नीचे एक लाल वाला बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर लो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। सो द प्राइस ऑफ अ गोल्डन रिट्रीवर पपी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला है कि आप कहाँ पे रहते हो, सेकेंड है कि आप किससे ले रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन, यानी कि आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप बड़े सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में रहते हो द प्राइस वुड बी लिटिल बिट हायर कम्पेयर टू अदर सिटीज ऑफकोर्स। एंड वहाँ पे अगर आप छोटे टाउन्स या सिटीज में रहते हो द प्राइस वुड बी लिटिल बिट चीपर कम्पेयर टू अदर सिटीज एंड टाउन्स। तो फिर स्मॉल टाउन्स और सिटीजन्स को यहाँ पे एक बड़ा प्राइस का एडवांटेज मिल जाता है। एंड वहाँ पे अगर हम बात करें कि आप कहाँ से एक गोल्डन रिट्रीवर पपी ले सकते हो, तो फिर आप तीन जगह है इंडिया में जहाँ से आप एक गोल्डन रिट्रीवर पपी ले सकते हो। पहला आता है पपी मील्स, सेकेंड आता है पेट शॉप्स एंड थर्ड आता है ब्रीडर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद पपी मील्स। अगर आपको नहीं पता पपी मील्स कौन है, क्या है और कहाँ पे होते हैं, वेल पपी मील्स आर जस्ट दोज हॉरिबल प्लेसेस जो पपीज को प्रॉफिट के लिए ब्रीड करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। हाई क्वालिटी डॉग फूड क्या लो क्वालिटी से लो क्वालिटी डॉग फूड दिया जाता है, वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं दिए जाते, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उनका यूरिनेशन और पॉटी साफ नहीं किया जाता। 10 से 15 डॉग्स को एक ही केज में रखा जाता है। एंड आई वुड से कि फीमेल डॉग्स को तो वहाँ पे सिर्फ पपी मेकिंग मशीन्स बना के रख दिया है, बस बच्चे पैदा करो एंड वापस केज में। सो दिस इज वेरी बैड एंड वी शुड स्टॉप दिस। आपको एक गोल्डन रिट्रीवर पपी एक पपी मिल में कम से कम 7,000 में मिल जाएगा। इट्स वेरी वेरी डैम चीप, लेकिन आई वुड से इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट, क्योंकि अगर आप एक पपी मिल से डॉग लेते हो तो ज़्यादातर डॉग पपी मिल से बहुत ज़्यादा डिजीजेस से गो थ्रू करते हैं, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी होती है। एंड वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग सेशंस और बाकी के डॉक्टर के वेट के चेकअप्स तो दूर की बात है। सो दैट इज़ दैट। एंड इनफैक्ट 99% ऑफ पपीज एंड डॉग्स इन पपी मिल्स आर गोइंग थ्रू डीपली हाई एग्रेशन, यानी कि बहुत हाईली एग्रेसिव होते हैं वो डॉग्स, क्योंकि उनका ध्यान नहीं रखा जाता, सोशलाइज नहीं किया जाता, उनको सिर्फ केज में बंद किया जाता है जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो फिर प्लीज़ डोंट बाय फ्रॉम दिस प्लेसेस, क्योंकि अगर आप यहाँ से लोगे ही नहीं तो ऐसी कंपनियाँ अपने आप बंद हो जाएगी। तो फिर अगर आप ले रहे भी हो तो फिर फर्स्टली यू आर प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड सेकेंडली आपको 7,000 देख के भी एक सैड और अनहेल्दी और एग्रेसिव पपी मिल रहा है। सो यू मेक द कैलकुलेशन। सेकेंड जगह आती है पेट शॉप्स। पेट शॉप्स मेरे हिसाब से आर नो डिफरेंट फ्रॉम पपी मिल्स, क्योंकि ज़्यादातर डॉग्स जो पेट शॉप्स में होते हैं वो पपी मिल्स से ही खरीदे जाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग ऑल द पेट शॉप्स आर लाइक दैट, लेकिन मोस्ट ऑफ देम मे बी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो एक ब्रीडर से लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका बजट ही उतना होता है, तो फिर उनके पास और कोई चॉइस नहीं बचती, बल्कि वो क्या करते हैं पपी मिल से बल्क में ले लेते हैं एंड दे उनको ग्रूम करते हैं, उनको अच्छे से केज में डालते हैं एंड देन दे सेल इट टू, उनको डबल प्राइस मिल जाता है। दैट्स वॉट आई थिंक एंड दैट्स वॉट मोस्ट ऑफ द पेट लवर्स थिंक। तो फिर अगर आप एक पेट शॉप से लेना भी चाहते हो तो फिर एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल पेट शॉप्स के पास जाना, एक ट्रस्टेड सोर्स के पास जाना। एंड अगर आपने गोल्डन रिट्रीवर पपी सिलेक्ट कर लिया है या फिर कौन सी भी ब्रीड सिलेक्ट कर ली है, तो फिर मेक श्योर कि आप उनके सर्टिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, उनके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन की ब्रीडिंग क्या हुई है, इनका ब्रीडर कौन है, सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल के ही आप वो पपी बाय करना। एंड प्लीज़ लुक आफ्टर दैट। अभी आते हैं तीसरी जगह पे और वो है एक ब्रीडर। अगर आपको नहीं पता एक ब्रीडर क्या होता है, एक ब्रीडर इज़ अ प्योर पेट लवर जो डॉग्स को अपने खुद के पैशन से ब्रीड करता है, ना कि किसी प्रॉफिट के लिए। आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ भी नहीं सकता उनका, क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट ही इतना करते हैं एक पपी में, जैसे कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन टू हाई क्वालिटी डॉग फूड टू रेगुलर डॉग चेकअप्स टू सोशलाइजेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रीडर्स करते हैं एंड विच मैनी ऑफ द पेट शॉप्स एंड पपी मिल्स लैक। तो फिर एक ब्रीडर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। आपको एक गोल्डन रिट्रीवर पपी एक ब्रीडर से कम 25,000 से 30,000 के आसपास मिल जाएगा। आई नो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव
लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट, क्योंकि एट द एंड आपको एक हेल्दी, एक हैप्पी, एक वेल सोशलाइज्ड डॉग मिल रहा है जो आपके साथ आगे के 13 से 14 ईयर्स बिताने वाला है, एंड इट वुड बी वंडरफुल। सो ये सब जगह थी जहाँ से आप एक गोल्डन रिट्रीवर ले सकते हो। अब हम आते हैं कि इनके मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर के मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कुछ भी डॉग लेने से, कोई भी ब्रीड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो डॉग आपको कितना खर्चा कराएगी। अगर आप बिना ये सब एनालाइज करके कौन सा भी डॉग लेके आते हो और फिर आप उनका खर्चा संभाल नहीं पाते हो, देन आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप उन्हें दे देते हो दूसरे किसको, या फिर वो स्ट्रीट्स पे मिलते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। अगर आप कौन सी ब्रीड ले रहे हो, मंथली एक्सपेंसेस और ईयरली कॉस्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ये आप आगे के 4 से 5 मिनट पूरा देखना, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर डॉग एंड फॉर यू एज वेल, ताकि आप एक एनालाइज कर सको कि आपका डॉग आपका कितना खर्चा कराएगी आगे जाके। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ फीडिंग। जैसे कि आपको पता है गोल्डन रिट्रीवर एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं, एंड क्योंकि वो एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है इसके लिए उनका फूड कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर साइज ऑफ डॉग ब्रीड्स, एंड क्योंकि उनका फूड कंजम्पशन ज़्यादा है इसके लिए उनका कॉस्ट ऑफ फीडिंग भी बढ़ जाता है। तो फिर ये हम देख पा रहे हैं। एंड अगर आप एक हाई क्वालिटी डॉग फूड आपके डॉग को प्रोवाइड करने वाले हो, देन द कॉस्ट ऑफ हाई क्वालिटी डॉग फूड बेस्ड ऑन द मंथली एक्सपेंसेस वुड बी अराउंड 5,000 rupees पर मंथ। एंड अगर आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो फिर एवरेज डॉग फूड भी दे सकते हैं। एवरेज क्वालिटी डॉग फूड आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 2,000 to 2,500 rupees पर मंथ, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप ये भी नहीं देना अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप घर का खाना भी दे सकते हो। घर के खाने में रोटी, कर्ड, राइस, वाटरमेलन्स, कैरेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप दे सकते हो। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप कौन सी भी चीज़ दोगे, घर की कौन सी भी चीज़ दोगे, उसमें सीड नहीं होना चाहिए, सॉल्ट एंड शुगर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स लाइक दैट, एंड ऑल्सो लुक आफ्टर योर डॉग एलर्जीज, वो कौन सी चीज़ से एलर्जेटिक है, कौन सी चीज़ से नहीं है, क्योंकि आगे जाके आप हमेशा रेडी रहो वो कोई भी चीज़ देने से पहले। तो फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो लो क्वालिटी डॉग फूड तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लो क्वालिटी डॉग फूड में एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलरिंग होते हैं जो आपके डॉग के स्टमक को और आगे के हेल्थ प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। तो फिर प्लीज़ डोंट गो फॉर लो क्वालिटी डॉग फूड, आपके इतने ऑप्शन है, गो विथ दैट। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, वो है वेट एंड वैक्सीनेशंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वेट एंड वैक्सीनेशंस। तो फिर आपके डॉग के पपी हुड में आपको उसकी ज़्यादा केयर रखनी होगी, क्योंकि वो छोटे होते हैं, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको उनका ध्यान रखना होगा, टाइम टू टाइम वेट एंड वैक्सीनेशंस देने होंगे, वेट चेकअप्स के लिए जाना होगा, डीवॉर्मिंग सेशंस मंथली अटेंड करना होगा, जितने भी सेशंस रहेंगे आपको रेगुलरली अटेंड करना है, एक भी मिस नहीं करना है, आपके डॉग के पपी के हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर आपके डॉग के वेट चेकअप्स, डीवॉर्मिंग सेशंस और वैक्सीनेशंस को मिला के अगर हम टोटल एक प्राइस बनाते, एक कॉस्ट बनाते, तो वो आ जाता है समवेयर अराउंड 6,000 to 7,000 फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर डॉग्स एक्सपेंसेस। फर्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा होता है, जैसे आपका डॉग मेच्योर होते जाता है उनके एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं, उनके रेगुलर चेकअप्स और डीवॉर्मिंग सेशंस भी आफ्टर एवरी 6 मंथ्स या फिर ईयरली बेसिस पे होते हैं। तो फिर तब हो जाएगा आपका प्राइस समवेयर अराउंड 2,000 to 3,000 rupees पर ईयर ऑफ वेट एंड वैक्सीनेशंस। तो फिर अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे, और वो है कॉस्ट ऑफ ग्रूमिंग। अगर आपको पता है गोल्डन रिट्रीवर अपने फर के लिए कितने जाने जाते हैं, एंड इट्स योर जॉब नाउ टू मेंटेन दैट ब्यूटीफुल फर ऑफ योर डॉग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये आप कैसे कर सकते हो, बाय टेकिंग योर डॉग टू ग्रूमिंग सेशंस। ग्रूमिंग में क्या होता है, वो आपके डॉग का नेल्स ट्रिम करते हैं, आपके डॉग फर, डॉग के फर को कोम करते हैं, आपके डॉग के फर को ट्रिम करते हैं, सॉरी, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट। आपके डॉग के ईयर्स, नोज, पॉज को क्लीन करते हैं, एंड इसे हम बोलते हैं फुल बॉडी ग्रूमिंग सेशन। एंड अगर हम इसका कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो फिर इंडिया में इसका कॉस्ट आता है समवेयर अराउंड 4,000 to 5,000 rupees। आई नो इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रूमर के पास अप्रोच करते हो। जितना प्रोफेशनल ग्रूमर के पास जाओगे उतना प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। तो फिर यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर दैट। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है तो फिर आप घर पे भी कर सकते हो, आप ग्रूमिंग अप्लाइंसेस घर पे लेके आ सकते हैं, आपके डॉग को घर पे ग्रूम कर सकते हो। इससे यू विल सेव अ फ्यू बक्स, एंड आप आपके डॉग के साथ आपका एक ग्रूमिंग सेशन भी हो जाएगा एवरी मंथ। सो यार दैट्स अ प्रॉफिट। एंड मैं पर्सनली मेरे डॉग को घर पे ही ग्रूम करता हूँ, इट्स बेटर। आई मीन क्यों नहीं, अगर हम एक्स्ट्रा आपके डॉग के साथ एक सेशन बिता सकते हो, वाई नॉट, ओके। तो फिर अब हम आते हैं चौथी चीज़ पे, और वो है कि कॉस्ट ऑफ न्यूटर एंड स्पे। अगर आपके डॉग के आप अगर आपके कोई प्लान्स नहीं आपके डॉग को
फर्दर ब्रीड करने के, देन आई वुड रिकमेंड कि आप आपके डॉग को न्यूटर या स्पे कर दो। न्यूटर और स्पे से आपके डॉग के ब्रेस्ट और टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑल्सो उनमें जो आपको अचानक से बीच बीच में जो एग्रेशन दिखता है वो भी दिखना कम हो जाएगा। एंड अगर आप इनके सर्जरी कराने जाओगे तो फिर प्राइजेस बहुत डिफर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था, आपके लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप बड़े सिटीज में रहते हो देन यही सेम सर्जरी का प्राइस ज़्यादा होगा, छोटे टाउन्स में यही सेम सर्जरी का प्राइस कम होगा। तो फिर यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। तो फिर प्राइस ऑफ मतलब मैं आपको एक एग्जैक्ट प्राइसिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे हिसाब से एवरेज प्राइसिंग मैं दे देता हूँ। तो द कॉस्ट ऑफ न्यूटर एंड स्पेस सर्जरी वुड कॉस्ट यू अराउंड 10,000 rupees फॉर दैट वन सर्जरी। और मैं अपने आफ्टर केयर और मेडिसिन को भी एडअप कर रहा हूँ, सिर्फ सर्जरी का 10,000 ही है। पूरा एक्सपेंस लेकर अगर हम निकालें तो वो आता है 10,000 rupees फॉर दैट पर्टिकुलर सर्जरी। अब हम आते हैं लास्ट चीज पे और वो है कॉस्ट ऑफ टॉयज एंड ट्रीट्स। कौन से डॉग को टॉयज एंड ट्रीट्स नहीं पसंद ये मेरे को आप बताओ। ये हम ब्रीड से डिफर नहीं करते, हर डॉग को टॉयज और ट्रीट्स तो चाहिए। टॉयज आपके डॉग को ऑक्यूपाइड और बिजी रखता है, उन्हें और एनर्जेटिक और प्लेफुल बनाता है। एंड वही सेम जगह पे ट्रीट्स आपके डॉग को और ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट और एक्साइट करता है। तो फिर दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉस्ट ऑफ टॉयज एंड ट्रीट्स विल कॉस्ट यू अराउंड 2,000 to 2,500 एवरी ईयर। एंड अगर आप और हाई क्वालिटी डॉग टॉयज या फिर ट्रीट्स के लिए जाते हो तो प्राइसेस और थोड़े बढ़ जाएंगे। आई एम होपिंग बाय नाउ यू नो कि आपको एक क्यूट लिटिल फरी फ्रेंड लेना है कि नहीं। अगर वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया होगा तो आपको लेफ्ट साइड पर हमारा लोगो दिखता होगा, हिट दैट लोगो, उसके अंदर एक लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। एंड अगर आपने हमारे लेटेस्ट वीडियो को नहीं देखा तो आपको नीचे एक लेटेस्ट वीडियो दिखता होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियो देखो। एंड हम और आगे गोल्ड रेटिव के वीडियोज लाने वाले हैं। Stay tuned, have a good day, take care of your dog, take care of yourself, bye bye.